सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया अभी बज रहा है 7:03। भाई कैसे कैसे बस तक टाइम से पहुंच जाऊं। बाकी बस वाला कॉलेज तो पहुंचा ही देगा, यहाँ बस ऑटो मिल जाए और टाइम से पहुंच जाऊं। वैसे यार ठंड भी नॉर बराबर है, जैसी पहले थी वैसी अब है। रोड नहीं दिख रही यहाँ से, मतलब सही है कोई नहीं। लेकिन एक बात है भाई, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है ये दिवाली के अगले दिन वाली आती है ना, कि थोड़े बहुत क्रैकर्स का कचरा बिखरा हुआ है इधर उधर, भाई वही वाली फीलिंग आ रही है इधर उधर सब। इधर इस वाली कॉलोनी में तो है नहीं, लेकिन जब हमारी कॉलोनी है ना मेन सद्भावना की जो फर्स्ट गली है, भाई वहाँ पे इतने सारे मुर्गा छाप के पैकेट पड़े हुए हैं, इतने सारे नाजी बॉम्ब पड़े हुए हैं। बस चलो भाई, अब मैं अपना ऑटो पकड़ता हूँ जल्दी से और फिर जल्दी से चलते हैं बस में। चलो भैया कॉलेज तो अपने पहुंच गए। यहाँ पे तो भाई ठंड लग रही है भाई, कसम से यहाँ पे ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। देखना भाई कोहरा ही कोहरा हो रहा है। चलो भाई अपनी क्लास में एक बार चल के देखते हैं यार कौन कौन आएगा। मैं ही आऊंगा पहले, मेरी बस ही सबसे पहले छोड़ जाती है, देखते हैं। आते हुए सब आएंगे क्योंकि एग्जाम है ना भाई। और भाई आज तीतर बनने वाला आज हमारा कि भाई एग्जाम में नहीं पढ़ा कुछ भी भाई बंदा 10 मिनट आए हुए खड़े हुए, 10 मिनट पहले आ गया था, अब ये खड़ा ही है। यश भाई आपका बैठने का मन नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई? बैठ इसलिए नहीं रहे, सीट ठंडी है भाई बहुत ज्यादा। मैंने भी बैग रख दिया, उसके बाद खड़ा ही भाई, कदों से मैं खुद खड़ा हूँ भाई बहुत देर से। हमारी क्लास में हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, हाथ तापने, तुम भी ताप लो। भाई हम अपनी एनओसी के लिए आए हैं, एनओसी मतलब वाला डॉक्यूमेंट जिससे हमारे पता चलता है हमारी फीस जमा नहीं है, हम जा रहे हैं एग्जाम देने। जय बजरंगबली। A few moments later. भाई जब टाइम खत्म होने 15 मिनट बचे थे तब अपने जपनीत भाई आए हैं। 15 मिनट नहीं 10 मिनट। लेकिन भाई मेरे का सच बोलूं, बिना पढ़े सारे क्वेश्चन करने का मंड है, वो बात अलग है। 3-3 लाइन में कर दिया, 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी। आज भाई हमारा डेढ़ा भाई का बर्थडे है, जतिन डेढ़ा। जपनीत भाई इसका क्या हाल करना है भाई? ये गाली वाली मत दे, मेरे को बीप करने में टाइम लगता है। हाँ बीप करने में भाई बहुत मेहनत लगती है भाई। डेढ़ा भाई का आज भूत भर देना है, भूत ऐसा करना है कि जैसा भी करना है। शगुन के लिए थोड़ा तो लगना ही है आज भाई। डेढ़ा भाई का सच में भूत भरना है और उनका बर्थडे है। अब केक ऑर्डर किया है, तेल दिया, दिक्कत ये ना। अरे ओए कौन ही वाले तेल दी, एग्जाम क्यों कर दिए? फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आ गए। चलो कोई नहीं भाई, अब तुमसे सेकंड एग्जाम के बाद ही मिलेंगे अब तो बस। A few moments later. भाई दूसरा एग्जाम तो हो गया, लेकिन भाई लिटरली बड़ा टट्टी गया है, कुछ भी नहीं आता था। कोई नहीं भाई, डेढ़ा भाई का जन्मदिन मनाने चलते हैं। चलो भाई देख लो डेढ़ा भाई का केक आ चुका है, बट डेढ़ा भाई नहीं आए। भाई इतेश भाई पुलिस वाले हैं, ये खर्चा पानी अपना इससे निकालते हैं। अबे वो वाली नहीं, तू तो जल्दी निकल गए, तो क्लास में क्या कर रही है? और इतेश कदम से भाई यू मतलब मैं इसे हितेश भाई पीछे आराम से, मतलब हमारा हम लिख रहे, यश पीछे थे इसकी वजह से भाई आज मेरे गुद्दी पर रैप्टा लग गया थी अच्छे से। दोनों गाड़ी बड्डे गाने लगा दे, इंस्टाग्राम स्टोरी चला रहा है क्या? लगा दे प्रणय वीडियो बनाई। डेढ़ा के भाई छाती पे क्या है वो कौन सा वो कार्टून है? डेढ़ा की छाती पे मीचेन, मीचेन सिंचन की बहन। अरे मीचेन बोल रहा हूँ, क्या नाम था? हाँ नैनी 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 यार देलो भाई, नैनी छपरी है, नैनी नैनी छपरी द हाउस। ये अपने भाई जापान से घूम के आया और ये भिखारी है। देखो हम लोग हेलो हेलो भाई बर्थडे बॉय अपना वो निकाल ले मोमबत्ती। चल भाई डेढ़ा भाई चलो चक्कर। चल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू डेढ़ा, क्या डेढ़ा क्या
पकड़ यार डेढ़ा है क्या भाई, डेढ़ा को भी तो खिलाना है, डेढ़ा को इसका है भाई, खा ले भाई, केक खा लो, आ जाओ अब दे दा भाई से दावत लेते हैं। A few moments later. भाई जब नीत भाई को बवासीर हो रहा है इसलिए मैं उन्हीं से खा रहे हैं। दो प्लेट में सारे लग रहे हैं भाई। डिस्काउंट लगा के 700। आलू दे रहे हैं। यहाँ पे भाई देसी फ्रेंच फ्राइज कर लो। कर ले जा ले जा। भुक्कड़। तो मैं से 60 लग रहे हैं। अगलू तेरी कैसी रही पार्टी? भाई तोड़ के खाया अकेले मोमोज वाले भैया का ही 750 रुपए का बिल बैठ गया। वो भी डिस्काउंट के बाद। चार पाँच दस प्लेट मोमो भाई, चार पाँच चिकन मोमो खाए, चार प्लेट नहीं मैंने नहीं, यहाँ पे दो प्लेट पनीर और दो प्लेट लगभग वेज पत्ता गोभी वाले, और उसके बाद भाई देसी फ्रेंच फ्राइज। चलो भाई पार्टी हो गई अपने घर। चलो भाई मेट्रो स्टेशन तो पहुँच गए, बस यहाँ से चलो अपने बस घर ही चलते हैं, मतलब तो मेट्रो में बैठ के फिर ऑटो पकड़ते फिर अपने घर। भाई मेट्रो से उतर के अपने ऑटो में तो बैठ गए, आज तो ऑटो बिल्कुल खाली मिल गया, बस चलो भाई अपने आप घर ही चलते हैं बस। चलो भाई घर तो आ गए, बस चेंज वेंज कर लिया, बस जैकेट और पहन के मैं घर आते ही दो मिनट सोच रहा हूँ यार प्रणव के पास जाऊँ, थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग का काम है। चलो भाई प्रणव के घर 10-15 मिनट बाद चलेंगे, थोड़ी देर बैठ के आराम से। A few moments later. भाई दो एक सेकंड बंद कर, एक सेकंड बंद तो कर, गाइस को दिखाएंगे हम, गाइस को दिखाएंगे, गाइस को दिखाएंगे। गाइस प्रणव भाई के घर आ गए हम, ये देखो ये हमारे एडिट मास्टर, रुक जाओ फ्लैश लाइट ऑन करके आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो हमने एडिट करी है मैंने। गाइस देखो हमारे प्रणव भाई ने वीडियो एडिट करी है। भाई एडिटिंग करिए कहर वाली, मुंबई की पब्लिक बोले तो तकलीफ। लेकिन जिसको भेजनी थी उस ससुरे को पसंद नहीं आई। वो देखा है तेरे ब्लॉग? कौन जिसको भेजनी? नहीं नहीं नहीं, तभी तो बोल रहा, तभी तो ससुरा कह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अपना दोस्त है। गलत बात भाई, ऐसे नहीं। भाई एक बात बताओ, उसने बोला उसको नॉर्मल चाहिए, और जो हमें वो वीडियो भेज रहा है एज अ सैंपल वो नॉर्मल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम प्रणव भाई, वो भेज रहा है हमें छपरी रीलर वाले शॉट, और उसको वीडियो चाहिए भाई बिल्कुल इन्फ्लुएंसर वाली। अब सोचो सोचो, हमारे प्रणव भाई तकलीफ में पड़ गए हैं। भाई मैं 50-50 पार्टनर हूँ आपका, 60 कर दूँ? नहीं भाई, मेरे को भी लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी हाँ मैं बिचौलिया हूँ, मेरे को सरस्वती चाहिए। भाई आरती भी चलेगी। भाई हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं घर। प्रणव भाई जो पबजी खेलते हुए बोल रहे थे वो अब बोलो ना। राम राम सारे भाइयों ने। मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ, आई एम वेरी सेक्युलर। भाई कसम से अभी हम पबजी खेल रहे थे, प्रणव भाई क्या बोल रहे थे प्रणव भाई तुम? भाई देख लड़कियां असली लड़कियां असली नहीं होती, लड़कियां गवर्नमेंट ने बनाई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बताओ मोदी जी की वाइफ क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि मोदी जी जानते हैं फीमेल डिस्ट्रैक्शन इज फीमेल, फीमेल इज डिस्ट्रैक्शन, यो यो हनी सिंह यो। चलो भाई अपना काम हो गया, अपने घर चलते हैं। मेरे घर आके भाई हम अपने घर जा रहे हैं, पैसे दे काई चीज के, ब्लॉग बना रहे हैं मेरे घर में, पैसे दे। इस बार मैं क्यों पैसे दूं? ब्लॉग बना रहे हैं मेरे घर में तो भाई, भाई, भाई हमारे फोन की 5% बैटरी बची है, क्वालिटी कम हो रही है प्रणव। प्रणव भाई कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? हाँ भाई देख, हाँ अगर अखिलेश यादव और मोदी जी की लड़ाई हुई कौन जीतेगा गैस करो? मोदी जी क्यों जीतेंगे एक्सप्लेन कर। मोदी जी के पास ज्यादा पावर है, वो अच्छे काम करते हैं। मोदी जी एज में बड़े हैं तो, और तो हमें बड़े लोगों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश यादव ने मोदी जी पे हाथ उठाया तो उसकी इमेज क्या बनेगी?
मोदी जी तो उसे नंगा करके मार सकते और कुछ होगा भी नहीं क्योंकि वो है पप्पू नहीं भाई वो तो राहुल गांधी है अलग अलग है वही तो है ये दोनों अलग अलग होते क्या जो आपने बोला भाई भाई मेरे को लगा था सेम है दोनों भाई आज का ज्ञान इतना ही अब ये ज्ञान वाली बातें होंगी कल हम कल भी आएंगे जय श्री राम भाई जय श्री राम मिलते हैं घर पे A few moments later. भाई साहब हम मंदिर जा रहे हैं गाइस हम मंदिर जा रहे हैं आज हम भूल गए थे आज ट्यूसडे है भाई याद नहीं रहा था आज ऐसा कल छुट्टी थी ना लगा आज मंडे है भाई तुम अपनी टिप्पणी करो कुछ भाई प्यार व्यार सब धोखा है मोह माया के चक्कर में न पड़ना चाहिए ये लड़कियां तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने को बनी है भाई मंदिर हो आए और भाई ठंड हो रही है बहुत ज्यादा आप चलो भाई बस रजाई में बैठते हैं बजरंगबली के दर्शन कर लिया भाई रजाई के भी दर्शन कर लिया आज सुबह से नहीं हुए A few moments later. घर पहुंचते ही बता नहीं यार एकदम लेट आया एक बार घर वाले साथ टीवी देखते देखते आंखें लग गई सो गया कोई नहीं भाई चलो अब डिनर कर लिया मैंने फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय